बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमेशा कामयाबियाँ अता फरमाए। आज की मेरी वीडियो एमए एमएससी एलएलबी के जितने पार्ट्स हैं उसके ऊपर जो डेट शीट आ गई है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंपल गूगल में खोलना है, गूगल में जाके PU लिख के इसको एंटर करना है। जब आप इसको एंटर कर देंगे तो आपके सामने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की जब आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे ये देखें, आपको कॉलम्स नज़र आए होंगे। इसमें आपने डाउनलोड एमए एमएससी की जो स्लिप है उसको ओके करना है, तो आगे आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एमए एमएससी पार्ट टू की भी स्लिप आई है, मैंने बताया था पार्ट टू के पेपर हैं, पार्ट वन का भी बाद में बताया जाएगा। एलएलबी पार्ट वन है, एलएलबी पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, और उसके अलावा ये जो 5 ईयर प्रोग्राम्स होंगे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर। अगर आपने फॉर एग्जांपल एलएलबी पार्ट टू निकालना है फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर वन निकालना है इसके ऊपर, अगर आपका सिंपल पहला साल है तो आपने यहाँ पे करना है इस तरह। आपने अभी मैं एमएससी का बता रहा हूँ, इसको क्लिक करके आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो भी आपका है 2019/ZWC जो भी आपका है, इस तरह फिर आपने स्लैश वागे नंबर लिखना है। और का मतलब है या इसको एंटर कर लें या इसको कर लें। आपने इधर अपना CNIC डेट ऑफ बर्थ लिखना है और आपने सबमिट कर देना है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये वाला सारा चीज़, तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है एसन लाहौरी, LAHORI लाहौरी, इस तरह आपने अपना नाम एहसन लाहौरी लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ऐसे, और अपना यहाँ पे डेट मंथ फिर यहाँ पे ईयर करके सबमिट टू डाउनलोड कर देना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और का मतलब होता है या इससे ऊपर वाला ये जो खाना है CNIC और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों को फिल कर लें, या स्टूडेंट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों को फिल कर लें, या फिर खाली रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के एंटर कर दें। यहाँ पर आप ऐसे सबमिट करेंगे तो अभी मेरे पास इनवैलिड आ रहा है क्योंकि मैंने कोई डाटा वगैरह फिल नहीं किया। जैसे ही आप डाटा फिल करेंगे तो आपके पास आपकी स्लिप आ जाएगी, उसके ऊपर फिर मेंशन होगा आपका पेपर कौन सा किस डेट को है। मज़ीद अपडेट्स और जानने के लिए हमारे चैनल एसएन लाहौरी को देखते रहें। एसएन लाहौरी एक सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, या मुझे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।